नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिडेकी। एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया दोस्तों, और एक और मोबाइल की अनबॉक्सिंग मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर। एंड डिवाइस है टेक्नो कंपनी की तरफ से, एंड कुछ पैकेजिंग जो है इस तरीके से यहां पर हमें देखने को मिली है। एक तरह से एक माचिस का डब्बा दिया गया है साथ में, एंड इसको मैं फटाफट यहां पर खोलता हूं। सो राइट गाइज, इस तरीके से यहां पर डिवाइस दिया गया है, टेक्नो स्पार्क गो। आई थिंक दिस इज़ अ रिव्यू यूनिट, सो आई एम नॉट श्योर कि ये आपको शायद इस तरीके से ना मिले। एंड इसके साथ ये एक तरह का वायरलेस ईयरपीस सेट जो है आपको साथ में देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द डिवाइस, एंड कुछ प्यारी सी लाइट्स भी हैं। ब्लू कलर की लाइट है, जो थोड़ी सी ब्लू कम लग रही है मुझे, बट एनी वेज इसको यहाँ पर हम साइड रखते हैं। And let's keep this aside. So guys, ये है टेक्नो कंपनी की तरफ से स्पार्क गो, एंड कुछ इस तरीके से ऑरेंज कलर का बॉक्स है। सो गाइज, इस वीडियो में आपको कंप्लीट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दिखाऊंगा टेक्नो स्पार्क गो का, एंड देन हम इसको दो तीन दिन आराम से डिवाइस को यूज़ करेंगे, एंड कंप्लीट ओवरव्यू आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और जानिए सारी डिटेल्स टेक्नो स्पार्क गो के बारे में। सो राइट गाइज, बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है। लेट मी क्विकली अनबॉक्स दिस। यहाँ पर सील दी है, और राइट इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, सो ऑरेंज कलर का बॉक्स है, अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर मेरे ऑफिस का जो पूरा सेटअप है वो भी ऑरेंज और ब्लैक कलर में है, सो आई लाइक दैट। सो लेट मी क्विकली ओपन दिस। ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है डिवाइस, एंड इसको थोड़ी देर साइड रखते हैं, एंड या तो एक काम कर लेते हैं, प्लास्टिक को उतार ही देते हैं। ऑल राइट, सो ये बड़ी जल्दी स्क्रैचेस पड़ने वाले हैं मुझे लग रहा है। प्लास्टिक का जो क्वालिटी है मुझे थोड़ा ऐसे ही लग रहा है। एंड स्टार्ट, यहाँ पर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पर लगाया हुआ मिला है। सो चलिए दो मिनट साइड रखते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ऑल राइट, सो अगेन 12+1 मंथ्स की वारंटी का पैम्फलेट है, साथ में यूज़र मैनुअल दी गई है, एंड यू गेट दिस चार्जर। सो यहाँ पर बात करें चार्जर की आउटपुट रेटिंग की, तो स्टैंडर्ड चार्जर है 5 वोल्ट 1.2 एम्पियर का, थोड़ा चलो 1 एम्पियर से ज़्यादा का चार्जर है, बट अगेन इट्स अ स्टैंडर्ड चार्जिंग प्रोसीजर। एंड साथ में बैटरी, अच्छा ओके आई थिंक सो ये ओपन होगा, एंड हमें अलग से बैटरी डालनी पड़ेगी, एंड नॉर्मल माइक्रो USB चार्जिंग केबल। सो स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको एक्सेसरीज मिल जाती हैं, सो आई हैव टू सेट दिस अप, बट अगेन गाइज अगर आप इस डिवाइस को परचेज करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। सो अब गाइज मैं दो दिन बाद आपको मिलूंगा, जब मैं इस डिवाइस को सेटअप करके अच्छे से यूज़ करके, एंड आई विल टेक सम कैमरा सैंपल, एंड देन आपको दूंगा एक कंप्लीट ओवरव्यू इस डिवाइस का, टेक्नो स्पार्क गो का। सो मिलते हैं 2 दिन बाद। सो राइट गाइज, यहाँ पर हमने टेक्नो स्पार्क गो को रेडी कर लिया है, एंड वी बिन यूजिंग इट। हमने आइडिया का 4G सिम डाला है, एंड जियो सिम के साथ इसको भी टेस्ट किया है, और मोर देन 48 आवर्स हो चुके हैं यहाँ पर हमें इस डिवाइस को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा प्राइसिंग की। इस डिवाइस को प्राइस किया गया है 5,499 रुपये में, और उसके साथ ऑफर अभी ये चल रहा है कि अराइमो का वायरलेस मूवेबल ईयरपीस आपको फ्री मिलेगा। 799 की इसकी कॉस्ट है, ये आपको इस डिवाइस के साथ बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है। सो प्राइसिंग के लिए बाद में एक बार ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट चलते हैं इस डिवाइस के फिजिकल ओवरव्यू की तरफ। नाउ राइट साइड पे आएंगे गाइस, आपको मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर कीज एंड पावर बटन, एंड लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है, ऊपर भी बिल्कुल प्लेन है, एंड नीचे आएंगे तो आपको माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, 3.5mm हेडफोन जैक, और उसके साथ साथ ये प्राइमरी माइक्रोफोन दिया गया है। नाउ यहां पर ये हिंज दे रखी है, इस हिंज को ऐसे आप अगर खोलते हैं तो बैक इसकी जो है कम्प्लीटली रिमूवेबल है, एंड बैटरी भी सेपरेटली आएगी, सो यहाँ पर आपको बैटरी भी जो है अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। नाउ बैटरी के बारे में भी बात कर लेते हैं, 3000 mAh की बैटरी यहाँ पर लिखी गई है, 2 SIM स्लॉट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और माइक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट भी यहाँ पर दिया गया है। सो हालांकि ये जो वेरिएंट है 2 GB रैम और 16 GB वाला वेरिएंट है, जिसका प्राइस मैंने आपको बताया 5,499 रुपये, बट डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आपको दिया गया है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और हमने फिलहाल अभी इसकी जो टेस्टिंग करी है वो एक 4G आइडिया के सिम के साथ फिलहाल हमने इसकी अभी टेस्टिंग करी है।
और फ्रंट के बारे में बात करें गाइस, तो एक आपको 6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, HD प्लस डिस्प्ले है, ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले है, फ्रंट में सेल्फी कैमरा दिया गया है 5 मेगापिक्सल का, एंड फ्लैश भी दी गई है। हालांकि बहुत हल्की सी लाइट सी फ्लैश है यहाँ पर, तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट इसका नहीं पड़ता, बट देन अगेन यहाँ पर दी गई है फ्लैश, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। एंड रेयर में आएंगे, सो प्लास्टिक बैक है, ये रहा स्पीकर ग्रिल, और सिंगल कैमरा दिया गया है यहाँ पर। जो ये सिंगल कैमरा है 8 मेगापिक्सल का कैमरा है विद एन AI सपोर्ट, एंड नाइट एल्गोरिदम भी आता है इसमें 2.0 का, उसके साथ साथ डेडिकेटेड सेल्फी फ्लैश यहाँ पर दी गई है। सो ये था दोस्तों कंप्लीट फिजिकल ओवरव्यू, एंड ओवरऑल बिल्ड और डिजाइन क्वालिटी की बात करें, हालांकि प्राइस जैसे बताया 5,500 है, उसके हिसाब से जो इसको बिल्ड क्वालिटी दी गई है दैट इज़ फाइन, इट्स टोटली एक्सेप्टेबल, कोई भी मुझे मेजर इश्यूज नहीं लगे। बैक में हल्के फुल्के स्क्रैचेज आने लग गए हैं, एंड सिंस ये नीचे से ब्लैक कलर का है तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट जो है बन जाता है, तो बड़ी जल्दी इस पर फिंगरप्रिंट जो है छपने लग जाते हैं। अच्छी बात ही होती है अगर यहाँ पर इनबॉक्स हमें TPU के साथ में देते तो दैट विल बी अ गुड थिंग, बट यहाँ पर बहरहाल उन्होंने देना नहीं समझा है। नाउ बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। फ्रंट में जो डिस्प्ले लगाया गया है 6 इंच का एक HD+ डिस्प्ले है, ये एक IPS LCD डिस्प्ले है, एंड 19:5:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, एंड बेसिकली 85% से ऊपर की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, एंड नीचे की तरफ जो थोड़े से बेजल्स दे रखे हैं वो थोड़े से मुझे ज़्यादा बड़े लगे हैं, हेड और चिन काफ़ी मोटा है, बट अगेन इस प्राइस सेगमेंट में यही चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा 450 निट्स की ब्राइटनेस है, 283 पिक्सल पर इंच की पिक्सल डेंसिटी हमें देखने को मिल जाती है। सो राइट गाइज, ये जो IPS LCD डिस्प्ले यहाँ लगाया गया है, यहाँ पर हमने कंटेंट कंज्यूम करके देखा है यूट्यूब चैनल पे एंड बाकी और ऐप्स पे, सो इट्स फाइन स्टार्टिंग के लिए, काफ़ी अच्छा है ये, एंड अपने प्राइस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कोई इशू नहीं होगा कंटेंट को कंज्यूम करने में। हालांकि मुझे लगता है कि अब कंपनीज़ को किसी न किसी कंपनी को पहल करनी चाहिए, और मुझे लगता है हो भी जाएगी कि 6-7 हज़ार के आसपास जो है 1080p डिस्प्ले शायद मिलने लग जाए। और उसके अलावा ये ब्राइटनेस के बारे में बात करें, 450 निट्स की ब्राइटनेस है, तो आउटडोर्स में भी हमने इसको टेस्ट करके देखा है, आउटडोर्स की ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, हालांकि आपको जो ब्राइटनेस है वो ऑलमोस्ट फुल करनी पड़ जाती है तब जाकर चलता है, बट इनडोर्स में आप अगर 50% या 60% रखते हैं सो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड नेक्स्ट गाइस, इसमें हम बात करना चाहेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। नाउ हार्डवेयर डिपार्टमेंट में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसमें लगे सिस्टम ऑन चिप की, तो यहां पर MediaTek का Helio A22 यानी MTK6761 प्रोसेसर दिया गया है, जो 2 GHz की मैक्सिमम क्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी के साथ आता है, 64-bit का प्रोसेसर है, एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, एंड इसके अलावा 2 GB की रैम है और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज, आप 256 GB तक का कार्ड इसमें लगा सकते हैं जो एक काफ़ी अच्छी बात है। नाउ दिस कम्स विद डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट, यानी आप दोनों सिम्स में 4G वोल्टी यूज़ कर सकते हैं, एंड टोटली आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। और बैटरी के बारे में बात करें, 3000 mAh की बैटरी इस डिवाइस में मिल जाती है, एंड सेंसर्स के लिए भी एक बार चेक लेते हैं, सो ओनली एक्सेलरेशन सेंसर, लाइट सेंसर यहां पर हमें देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सो 3 ही सेंसर्स यहां पर दिए गए हैं, बिकॉज Helio A22 में इतने ज्यादा सेंसर्स की अवेलेबिलिटी जो है नहीं होती है। सॉफ्टवेयर साइड भी एक बार बात कर लेते हैं, ये जो डिवाइस रन हो रहा है एंड्रॉयड पी पर आता है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड पी देखने को मिलता है, हाई ओएस का वर्जन 5.0.2 ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, दैट्स अ प्लस थिंग। एंड और उसके अलावा हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन साइड मुझे अगर एक चीज़ थोड़ी सी लगी कि यहाँ पर 3 GB की रैम मुझे लगता है अगर हो जाती तो बहुत मज़ा आता, एंड 3500 mAh तक की बैटरी अगर हो जाती तो और सोने पे सुहागा वाली चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। सो ये था कंप्लीट हार्डवेयर ओवरव्यू एंड सॉफ्टवेयर ओवरव्यू इस डिवाइस का। चलिए अब चलते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ। सो कैमरा इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है, एंड अभी फिलहाल फ्रंट कैमरा में हम स्विच कर देते हैं, राइट गाइस आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा में हमें स्विच कर दिया है, एंड उसके अलावा आप AI कैम भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज़ दिस फ्लैश, मैं फ्लैश आपको ऑन करके दिखाता हूँ, राइट आप देख सकते हैं इतने से एरिया में भी फ्लैश आपको दी गई है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि फ्लैश फ्रंट फ्लैश भी आपको साथ में देखने को मिल रही है। नाउ मैंने कुछ सैंपल्स लिए हैं इसके फ्रंट से भी, रेयर से भी, इंडोर्स में भी, आउटडोर्स में भी, मैं साथ साथ सैंपल्स को फ्लैश कर दूंगा यहाँ पर, एंड एक वीडियो फुटेज भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करी है। सो जो ओवरऑल गाइज मैं पिक्चर क्वालिटी की यहाँ पर बात करूँ 8 मेगापिक्सल के रेयर कैमरा से और 5 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से, ओवरऑल इमेजेस दे आर फाइन, सच में कुछ इमेजेस तो काफ़ी अच्छी भी आई हैं, एंड कुछ इमेजेस में थोड़ा सा फोकस इशू मुझे लगा, बट मैं इतनी ही एक्सपेक्टेशन लेकर चलता हूँ, बट कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी भी आई हैं। सो ओवरऑल मैं इतना नाराज नहीं हूँ इसके कैमरा से, इनिशियल फीडबैक मेरा पॉजिटिव ही है इस डिवाइस के कैमरा से,
हालांकि फ्रंट कैमरा में आपको, और अगर इवन रियर भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हैंड अपना स्टेडी रखना पड़ेगा, नहीं तो शॉट जो है बहुत जल्दी आउट ऑफ फोकस हो जाता है या ब्लरी शॉट आ जाता है. सो यू हैव टू बी लिटिल स्टेडी जब आप फोटोज़ को खींच रहे हैं, जो मैंने पॉइंट इनिशियली यहाँ पर अभी नोट किया है. और वीडियो डिपार्टमेंट में बात करें गाइस, सो 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया गया है. यस गाइस, आप इनिशियल ही आउट ऑफ द बॉक्स 1080p वीडियो इसमें शूट कर सकते हैं. और उसके अलावा अगर मैं फ्रंट कैमरा में एक बार वीडियो चेक करूं, राइट गाइस, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप फ्रंट कैमरा से भी 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हैं. दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर श्योर. सो ये था दोस्तों कंप्लीट ओवरव्यू कैमरा के पर्सपेक्टिव में भी, एंड आपने सैंपल्स भी देखे. सो राइट गाइज, अब मैं बात करता हूँ अपने फर्स्ट इंप्रेशंस की जो मुझे इस डिवाइस से इनिशियली देखने को मिले हैं. सबसे पहले प्राइसिंग बहुत बढ़िया है, छांट मारा मैंने अमेजोन भी और फ्लिपकार्ट भी. 5,500 में हीलियो 822, 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज कोई नहीं दे रहा है. सो दैट्स लाइक आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट डिवाइस और प्राइसिंग इसकी परफेक्ट रखी गई है. प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो काफ़ी अच्छी है, मतलब ये स्वीट स्पॉट हिट कर देता है यार. अगर इसमें 3GB की रैम दी गई होती और साथ में बेसिकली अगर ये 3,500 mAh की बैटरी के साथ आता, बट देन अगैन बहरहाल 2GB रैम के साथ भी बेसिक टास्क को ये बड़े आराम से हैंडल कर जाता है. मैं यहाँ पर बेसिकली सबवे सर्फर खोल के बैठा हूँ दिखाने के लिए कि आपको सबवे सर्फर भी यहाँ पर रन होती है. इसमें भी हल्के हल्के फ्रेम ड्रॉप्स आते हैं, बट देन अगेन खेलने लायक है ये गेम, ऐसी बात नहीं है. सो परफॉर्मेंस वाइज बेसिक टास्क कोई आराम से हैंडल कर लेगा, आपको मेजरली कोई इशू होने नहीं वाले हैं. एंड बेसिक टास्क को ये तसल्ली से डेली लेवल पे आराम से इसको हैंडल ये कर जाएगा. एंड कैमरा इम्प्रेसिव है, रियर कैमरा स्पेसिफिकली इम्प्रेसिव है. 1080p फ्रंट और रियर में देना काफ़ी बड़ी बात है. एंड उसके अलावा आपको ऑलरेडी मूवेबल ब्लूटूथ एयरपीस जो है वो फ्री भी मिल रहा है. सो कंबाइंड पैकेज है मेरे हिसाब से. बस मुझे जो इनका सॉफ्टवेयर है हाई ओएस, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देयर सॉफ्टवेयर जो इनकी स्किन होती है, क्योंकि काफ़ी हैवी स्किन होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लोटवेयर भी होता है. सो एंड उसके अलावा बट जो ब्लोटवेयर है भी वो आप इसको अनइंस्टॉल ज़रूर कर सकते हैं, बट देन अगेन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देयर स्किन. बट ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज, आपको मुझे नहीं लगता मेजरली कंप्लेंट होनी चाहिए इस डिवाइस से. ये आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, जो इनिशियली एक फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन की तरफ आ रहे हैं, उनके लिए ये डिवाइस मेरे हिसाब से ठीक रहेगा. क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ में जनरली वो कॉलिंग यूज़ करते हैं या SMS यूज़ करते हैं या WhatsApp यूज़ करते हैं, उसके लिए ये डिवाइस ठीक है. बैटरी बैकअप श्योरली थोड़ा सा यहाँ पर आपको कम मिलने वाला है, क्योंकि 6 इंच का काफ़ी बड़ा डिवाइस है. बट 6 इंच का डिवाइस होने से ये भी एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं अगर इसमें कंटेंट कंज्यूम करते हैं यूट्यूब या ऐसा कुछ, तो वो उसमें उनको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सो राइट गाइज, ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस नए डिवाइस टेक्नोस्पार्क गो का. बताएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए. एंड इस डिवाइस के बारे में और कुछ आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद. I only made a dream where the deep inside me, I know I need never care.